अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीज़ान टीवी यूट्यूब चैनल। आज के न्यूज़ अपडेट के मुताबिक इमरान खान ने 17 जुलाई ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल कर लिया। इमरान खान ने शर्त रखी कि जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं वहां पब्लिक फंड इस्तेमाल नहीं होंगे। आईजी पंजाब किसी को हिरासत नहीं करेंगे। पीटीआई वकील बाबर अमान ने अदालत को आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल कर लिया। वकील बाबर अमान ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक निगरान वज़ीर आला कबूल किया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के दोनों उम्मीदवारों हमजा शहबाज और परवेज इलाही को रन ऑफ पोल की मुतफ़िका तारीख तय करने के लिए तलब किया। इस पर अदालत ने दोनों फरीकान को वक्त भी दिया। मशावरत के बाद पंजाब हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान इतफाक़ की राय हुआ है कि तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी का कहना है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। वकील बाबर अमान का कहना है कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक निगरान वज़ीर आला कबूल किया है। इमरान खान ने कहा कि जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पब्लिक फंड इस्तेमाल नहीं होंगे। आईजी पंजाब किसी को हिरासत नहीं करेंगे। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को दो ऑप्शन दे दिए। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है, जहां चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस मौके पर अदालत उज़्मा ने हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को तलब किया, जिस पर वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर अदालत उज़्मा में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रोज टर्म पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, चौधरी साहब आपका हमजा शहबाज पर कोई एतराज़ है? जिसके जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जब से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं सारा कंट्रोल पुलिस ने संभाला हुआ है, हाउस इस वक्त मुकम्मल नहीं है, ऐसी सूरत हाल में इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए हमजा किसी सूरत वज़ीर आला को भूल नहीं। जिस पर अदालत ने कहा कि परवेज इलाही साहब आइनी बहरान चलता जा रहा है, आपको तलब इसलिए किया है कि आप दोनों की रजामंदी से कोई हल निकल आए। आपके वकील ने कहा ज़िमनी इलेक्शन हाउस मुकम्मल होने तक हमजा पर एतराज़ नहीं, हाउस मुकम्मल होने के बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। इस नुक्ते पर आप दोनों हजरात को तलब किया, पाकिस्तान में मौजूद अराकीन के आने तक दूसरी सूरत में वक्त दिया जा सकता है, दूसरी सूरत इलेक्शन के लिए वक्त की कमी की है। दौरान समाअत हमजा शहबाज ने अदालत से कहा कि अदालत उज़्मा का बड़ा एहतराम है, कोई शख्स अहम नहीं होता, निज़ाम को चलता रहना चाहिए। डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ, हमारे पास आज भी नंबर पूरे हैं, एक एक मिनट की कीमत होती है, आज रन ऑफ इलेक्शन होने दिया जाए, 17 को जो रिजल्ट आएगा वो बाद में अदम एतमाद ले आए, लेकिन इस वक्त हमारे नंबर पूरे हैं, इसीलिए अपने मेंबर्स को हज पर जाने से रोका हुआ है, लिहाजा आज का इलेक्शन होने दिया जाए, 17 को जो भी जीतेगा ऐवान इसका फैसला खुद कर लेगा। समाज के मौके पर पंजाब में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद भी रोस्टम पर आए तो जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार नहीं, इसलिए आपको नहीं सुन सकते। इस पर मियां महमूद रशीद ने कहा कि आपस में तय किया है, हाउस मुकम्मल होने दिया जाए। जिस पर बाबर अवान ने कहा कि महमूद रशीद के बयान के बाद पार्टी सरबराह से हिदायत लेना ज़रूरी हो गया है, लिहाजा 10 मिनट का वक्त दें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इसलिए परवेज़ इलाही इमरान खान से राबता करें और आधे घंटे में आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।